हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी एलिफ एंड वेलकम टू माय चैनल फैशन रिव्यूज एंड व्लॉग्स। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर मास्क के बारे में। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई हेयर, सो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ अपने हेयर्स पर, लाइक हेयर कलरिंग हो गई, हेयर ब्लीचिंग हो गई और उसके साथ कट डाउन वगैरह हो गया। सो मेरे हेयर्स जो है बहुत ज़्यादा केमिकल्स के प्रोसेस से गुजर चुके हैं और स्टिल मेरे हेयर्स जो है शाइनी हैं। सो गाइस, अगर आप लोग मेरी बात करते हैं तो मैंने अपने हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा बार कट करवाया है और स्टिल मेरी हेयर लेंथ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है और मेरे हेयर्स जो है माशाल्लाह से बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं। सो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जिनके हेयर्स ग्रो नहीं करते हैं या फिर जो के अपने हेयर्स को बहुत ज़्यादा केमिकल्स के प्रोसेस से गुजार चुके हैं और अब उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या फिर उनके हेयर्स जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। मैं जो है 15 डेज में जस्ट एक हेयर मास्क ट्राई करती हूँ और मेरे हेयर्स जो है बहुत ही प्यारे रहते हैं। स्टिल मेरे हेयर्स की शाइन कभी नहीं गई, मेरे हेयर्स कभी भी डैमेज नहीं हुए, ना ही मुझे हेयर फॉल हुआ है सच। और अगर आप बात करते हैं डैंड्रफ की, तो हाँ मुझे थोड़ा सा डैंड्रफ हुआ है क्योंकि अब चल रहा है विंटर सीजन, सो आई थिंक दैट्स व्हाई हो रहा है, बट उसके अलावा मेरे हेयर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, ये हेयर मास्क मैं ऑलवेज 15 डेज के बाद अप्लाई करती हूँ और उसके साथ ऑयलिंग जरूर करती हूँ। गाइस, आप लोग जितनी ऑयलिंग करेंगे आपके हेयर्स उतने ज्यादा ग्रो होंगे। आप कोई भी हेयर ऑयल ले सकते हैं जो कि आपको सूट करता हो, आप कोई भी हेयर ऑयल ले लें, अपने स्कैल्प को ऑयलिंग करें, आपके लिए बेस्ट होगा और 15 डेज में एक बार लाजमी ऑयलिंग करें। आपको हेयर मास्क बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए यहाँ पर है। आप लोगों को एक बनाना चाहिए जिसको आपने फ्रीजर में रख देना है 3 दिन के लिए, उसके बाद आपने निकालना है, ये कुछ इस तरह का ब्लैक हो जाता है, तब आपने इसे अपने हेयर्स में डालना है और बहुत ही अच्छे से आपके हेयर्स को प्रोटीन देगा ये और बहुत ही अच्छी वाली शाइन देता है हमारे हेयर्स को। सो बनाना इज़ द बेस्ट फॉर हेयर मास्क। और उसके साथ हम यहाँ पर आलू डालने वाले हैं। वेल, आलू जो है हमारे हेयर कलर को मेंटेन करता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह अप्लाई किए हैं अपने हेयर्स पर, तो ये उसके रिएक्शंस को जो है कम करता है। और आपने टमाटर भी डालना है इसमें। वेल, आई नो कि हम सब्ज़ी नहीं बना रहे, कोई भी सालन वगैरह नहीं बना रहे, ये जो हैं इंग्रेडिएंट्स हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सो आपने हाफ टमाटर लेना है और उसके साथ आपने पूरा एक प्याज ले लेना है। और गाइस, आपने इस मास्क को अच्छी तरह से ग्राइंड करना है और इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड करना है, जितना आप चाहते हैं आप इसमें उतना मिल्क ऐड कर सकते हैं, बट आपने ये ट्राई करना है कि आप मिल्क थोड़ा सा कम रखें क्योंकि लिक्विडी चीज़ अगर आप ज़्यादा अपने हेयर्स पर अप्लाई करेंगे तो ये आपका, जब तक आपके हेयर्स में मास्क रहेगा तब तक ये पानी इसका टप टप करता रहेगा। और गाइस, इसमें हम ऐड करने वाले हैं प्याज। सो आप प्याज जो है अपने हेयर लेंथ के मुताबिक ले सकते हैं, जितनी आपकी हेयर लेंथ हो आप उतना इसमें डाल सकते हैं। वेल, अगर आप लोग ऑनियन की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर्स के अगर हमारे हेयर्स जो है डैमेज हो चुके हैं तो उसके लिए अच्छा है, हमारे हेयर ग्रोथ को मेंटेन करता है और बहुत ही अच्छे से हमारे हेयर्स को शाइन देता है और हमारे हेयर ग्रोथ को गाइस बूस्ट कर देता है। सो प्याज जो है आप लाजमी डालें और इसके साथ बनाना। और एक और गाइस यहाँ पर मिसिंग है चीज़, वो है आपकी योगर्ट। अगर आपके पास दही है तो आप ज़रूर इसमें ऐड करें, मिल्क की जगह पर आप दही ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, दैट्स वाई मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। सो गाइस, मैंने अपने हेयर्स को अच्छी तरह से ऑयलिंग कर ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पहले अपने हेयर्स को ऑयलिंग की है, उसके बाद ये हेयर मास्क अप्लाई करने वाली हूँ। सो आप पहले अपने हेयर्स को ऑयल लगा लें, यहाँ पर आप ऐसा करें कि आप इस मास्क में जो है थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, तो आप लोगों की मर्ज़ी है, आप जिस तरह से ऑयलिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो आपने अपने हेयर्स के छोटे छोटे से सेक्शंस करके इस मास्क को अप्लाई करना है। सो गाइस, मिलते हैं मास्क को अप्लाई करने के बाद। गाइस, इस प्याज की जो स्मेल है ना बहुत ही ज़्यादा बुरी है। सो आप ट्राई करें कि इस मास्क को अप्लाई करने से पहले इस मास्क को जो है आप 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, उससे इसकी जो कड़वाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ इस मास्क को अप्लाई करते टाइम। सो आप लोग पहले इसे फ्रीज़र में रख दें, उसके बाद ही अप्लाई करें, वरना आप लोगों का भी यही हाल होने वाला है। सो गाइस, मास्क को अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद आपने इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। वेल, जब आप मास्क को अप्लाई कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई भी शापर का रैप कर लेना है, जिससे आपके हेयर्स जो हैं आपका हेयर मास्क जो है जल्दी से नहीं ड्राई होगा और आपके हेयर्स को अच्छी तरह से प्रोटीन देगा। सो 2 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, हेयर आर द फाइनल रिजल्ट्स। आप लोग देख सकते हैं मेरे हेयर्स कितने
ज़्यादा शाइनी और सिल्की लग रहे हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का रिव्यू वीडियो। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।